मैक जी, सबको दिखाइए ना कि हम सिलेक्ट हो गए। हाँ, दिस इज रियली ग्रेट न्यूज। अभी कल ही तो मैंने भाभी के फोटोज मेल किए थे और देखो उसका रिप्लाई भी आ गया। भाभी जो है एड फिल्म के लिए फाइनलाइज हो गई है। हाँ मैक जी, अब आगे क्या करना है? आगे हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी है? अब तो आप तैयारी कीजिए मुंबई जाने की। वहां जाएंगे, वो आपका छोटा सा एक लुक टेस्ट करेंगे, उसके बाद सीधा शूटिंग। सीधा शूटिंग? भाभी आपकी तो गाड़ी निकल पड़ी है। हम अभी जाने की तैयारी करते हैं। जा, रुक जाओ रश्मि, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों क्यों नहीं जा सकते हम? जमीन पे रहो समझी, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। रश्मि, गौरव सही कह रहा है, बेकार की चीज में फंसने का कोनो मतलब नहीं। ये सब छोड़ो, आप लोग क्या चाहते हैं? अरे एक मौका तो मिला है हमें अपने सपने पूरे करने का, और आप सब चाहते हैं कि हम उसे भी खो दें? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम कहीं नहीं जा रही हो और ये हमारा आखिरी फैसला है, समझी? हम जाएंगे। तुम्हें छूट दे रखी है तो इसका नाजायज फायदा ना उठाओ बहू। बहस मत करो और घर की मान मर्यादा को समझो। गौरव की बात सुनो और मानो। बट क्यों अंकल, ये कोई गलत काम थोड़े ही है। और फिर कौन सा रोजो ऐसा मौका मिलता है? और अंकल, टैलेंट की असली कदर तो मुंबई में ही होती है ना। बस मैक, बस मैक। इससे ज्यादा दखलंदाजी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे भी तुमने बहुत तमाशे करा लिए यहाँ। गौरव, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, मैं सब कुछ तेरे और भाभी के लिए तो कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। कृपा करके हमारे बारे में और हमारी बीवी के बारे में सोचना बंद कीजिए। ओके, समझ गया मैं। अरे तू भाभी को लेके ना इनसिक्योर फील करता है, डरता है, तू डरता है कि कहीं भाभी तुझसे ज्यादा सफल ना हो जाए जिंदगी में। टिपिकल हिपोक्रेट मेंटालिटी। छी, बस करो। अपनी हद में रहो समझे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। गौरव, घर बस करो, बस करो। तुम कहाँ कर रहे हो? तुम माँ से कह दो कि इसी वक्त इस घर से चला जाए, इसी वक्त, अभी के अभी। वरना मैं, गौरव बस करो बेटा, ऐसा नहीं कर सकते आप। जी हमारे मेहमान है। अभी नहीं है। बैक, निकल जाए यहां से। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ, निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से। हाँ हाँ, मैं भी यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता। मैक जी बिल्कुल सही कहकर गए, आपको हमारी सफलता स्वीकार नहीं है ना? अरे जलते हैं आप हमसे, आपको मंजूर नहीं है कि हम आपसे बेहतर काम करें। आप चाहते क्या हैं? आपके दो दो रुपए के हिसाब में उलझकर अपनी सारी जिंदगी यहां सड़ा दूं? यही चाहते हैं ना आप? अरे खुद तो कुछ नहीं कर पाए और अब हम करने चले तो आग लग गई आपके मन में। रश्मि!